आपने आप फॉलो करी है मानी की शादी? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। उसकी जो कुछ पिक्चर्स आप देखी होगी स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि मैं बात करना चाहूंगी, हम अंबानी जो है ना वो अपनी मनी पावर इतनी दिखा रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड आ रहा है, हॉलीवुड भी आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो लोग तो जाहिर से बातें इन्फ्लुएंस होंगे ना। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अब इन सारी बात ये सारी बातें सुन के ना मुझे हैरत इस बात पे होती है कि इतना टाइम आपके पास हो ही क्यों कि आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। जली ना तेरी भी जली ना। वीकेंड पे इंडिया में एक शादी हुई जो कि सारों ने अटेंड की, मतलब मैं दुनिया में सारों ने अटेंड की, बिकॉज वो शादी जो थी वो ऐसी थी कि जो दुनिया से लोग आए हुए थे उसको अटेंड करने के लिए, उन्होंने भी ऐसी शादी नहीं देखी होगी। चौन सेना मैंने अपनी जिंदगी की वो पिक्चर अभी देख ली जो मेरे से पहले किसी ने देखी ही नहीं होगी, क्योंकि आज से पहले किसी ने देखा नहीं होगा ऐसी पिक्चर जिसका कोई पैसा भी देना नहीं पड़ा, लेकिन आपने ऐसी एंटरटेनमेंट हासिल की है कि आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। आप अरे कहना क्या चाहते हो, आप चाहके भी इस चीज को भूल ही नहीं सकते, क्योंकि दिख रहा है साहब दुनिया की सबसे महंगी शादी जो आज तक किसी कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, वो शादी मैं अभी देख रहा था। आज थी अनंत अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी के बेटे की बारात, जो कि पिछले आप कह लें कि 4-5 महीने से शादी चलती आ रही है, आज फाइनली बारात हो गई है। तो क्या नाचो मैं? जय हिंद दोस्तों, भाई फाइनली दुल्हनिया अपने घर आ गए और पाकिस्तानियों की भाई आंखें फट गई है, पता नहीं क्या का फटा है। 5,000 करोड़ रुपए की भारतीय रुपये की बात कर रहे हैं, 3.5 से गुणा कर लो यानी कि तकरीबन भाई 17-18 हजार करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तानियों के लिहाज से। आप लोग वीडियो देखें उसके बाद बात करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। ये हार्दिक पांड्या आरएस डीजे ये बोल ये हमारे सीरीज देखते बोल वर्ल्ड कप जीत लिया, दुनियादारी अपनी अच्छी तरह कराई। चौन सेना यू के गेट सम हमारे यहाँ बहुत कम है ये रुझान, यहाँ तो परफॉर्मेंस के पैसे दिए जाते हैं, गेस्ट अपेयरेंस के लिए नहीं। अच्छा एक तो ये पहलू, दूसरा पहलू ये कि अंबानी खानदान की यहाँ के तमाम बड़ों से कोई दोस्ती यारी नहीं है, कोई होता है कि किसी को एग्जैक्टली नहीं वहाँ पे नजर अभी तक तो कोई नहीं आया, रिहाना का फसाना चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान से अभी तक कोई नाम, कोई पॉलिटिशियन, किसी शोभा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली कोई शख्सियत, क्योंकि इस फैमिली का जो है स्पोर्ट्स से भी बहुत ज्यादा ताल्लुक है, क्रिकेट से भी। आपको क्रिकेटर्स भी बहुत नजर आएंगे उनकी शादी में, आपको बॉलीवुड स्टार्स नजर आएंगे, आपको तीनों खान्स नजर आएंगे नाचते हुए। मैं आपको एक चीज बताऊँ, तीन खान जो तीनों के तीनों खान है, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, वो पहली बार आपने स्टेज देखा कि मुकेश अंबानी की शादी में सबसे पहले इकट्ठे नाच। शादी जो आज तक किसी कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, वो शादी मैं अभी देख रहा था। आज थी अनंत अंबानी, मिस्टर मुकेश अंबानी के बेटे की बारात, जो कि पिछले आप कह लें कि 4-5 महीने से शादी चलती आ रही है, आज फाइनली बारात हो गई है। और मैं देख रहा था किस तरीके से इतने बड़े बड़े सुपरस्टार जिनको हम बचपन से देखते हुए आ रहे थे, जॉन सीना शादी पे आए हुए हैं, निक जॉन्स शादी पे आए हुए हैं, यही नहीं सैमसंग के सीईओ आए हुए हैं, इसी के साथ साथ बिल गेट्स का तो पता ही आपको पहले भी आ चुके हुए हैं, किम कार्डशियन जिसको हर दुनिया के बंदे ने फॉलो किया हुआ है,
वो शादी पे आई हुई है, क्लोई कार्डशियन वो शादी पे आई हुई है, इसको भी छोड़ दें, ये तो गेस्ट लिस्ट है ना, गेस्ट लिस्ट के अंदर इंडिया का तो हर बड़े से बड़ा नाम आपको पहली दफा एक साथ जमा होकर नजर आएगा, फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, फिर चाहे वो गौतम अंबानी हो, फिर चाहे वो बॉलीवुड के शाहरुख खान से लेके नीचे तबके तक जितने भी सुपरस्टार है वो, फिर चाहे वो कोई ना कोई क्रिकेटर हो। मैंने गौतम गंभीर को एक साथ देख लिया, मैंने हार्दिक पांड्या को भंगड़े डालते हुए देख लिया, मैंने जैसे कहते हैं केएल राहुल को देखा, बुमराह को देखा, चाहल को देखा, द ग्रेट एमएस धोनी को देखा, हर बंदे को मैंने देख लिया शादी के अंदर भंगड़े डालते हुए। आनंद अंबानी की बारात आ रही है, आगे हार्दिक पांड्या रास्ता रोक के खड़े हुए लेटे हुए हैं, शेखर धवन भंगड़े डाल रहे हैं रणवीर कपूर सिंह के साथ, मैंने किस किस को नहीं देखा। और इसको भी छोड़ दे, ये तो चले ना खुशियों में शामिल हो गए, लेकिन इस शादी की कोस सुन के जब मैंने इसके ऊपर फौरन सर्च किया, मैं शादी पे इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी रील देखी, उसके बाद से पिछले 3 घंटे से मैं इसको देख ही जा रहा हूं, तो मैंने जब सर्च किया तो पता चला कि वो जो प्री वेडिंग शादी थी, मैंने आपको बताया था उसके बारे में, खाली इस शादी के मैं आपको कोर्स बता दूं ना तो इंडियन करेंसी के अंदर 5,000 करोड़ रुपया लग चुका हुआ है इस शादी के अंदर जो उन्होंने शो करवाई, इससे पहले इसके पीछे पता नहीं कितने करोड़ लग गए होंगे। और यार आप क्या बात कर रहे हो, शादी के जो कार्ड की वैल्यू वही 21 लाख रुपए है, 21 लाख रुपए पाकिस्तानी जिसको कहता है ना इस कार्ड की वैल्यू, जो शादी का कार्ड बना है 21 लाख रुपए का कार्ड। ये भी छोड़ दो, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर जस्टिन बीबर अभी भी कॉन्सर्ट करके गया, 82 करोड़ रुपया उसने लिया है पाकिस्तानी, आप अंदाजा लगा लो कितना, कोई तकरीबन 300 करोड़ बन गया। जस्टिन बीबर क्या रिहाना इतनी बड़ी सुपरस्टार, वो कॉन्सर्ट करके 66 करोड़ के अंदर, बियॉन्से ने कॉन्सर्ट किया 33 करोड़, मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी करेंसी की नहीं बात कर रहा, ना ही मैं करना चाहता हूँ क्योंकि इसके अंदर फिर ये 100 से ऊपर चले जाएंगे। एकॉन ने कॉन्सर्ट कर दिया, पिटबॉल ने कॉन्सर्ट कर दिया, पता नहीं किस किस बंदे ने आके यहाँ पे जैसा कहता है ना गाली, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, मतलब कि हम पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए पिटबॉल को बुलवा रहे थे, उसने इतने ड्रामेबाजी कर दी, वो नहीं आया, उसकी जगह रिप्लेसमेंट मंगवानी पड़ी, और वहां पे शादी के अंदर वो आके गा रहे हैं। मैंने बॉलीवुड के सुपर, तो दोस्त आप लोगों ने देखा, यानी कि यहाँ पर जो अनंत अंबानी की शादी थी वो सक्सेस 4 महीने 5 महीने से शादी चली हुई थी कंटिन्यू। देखिए भाई ये थी, मैंने तो देखिए पहला जो इनका लड़का था मेरे ख्याल में आनंद है, उसकी शादी मैंने देखी नहीं थी, इस बार देखे, क्योंकि एक तो भाई सोशल मीडिया का दौर इतना तकड़ा है, दूसरी आप इंस्टाग्राम चला ले, यूट्यूब चला ले, फेसबुक चला ले, कुछ चला ले, रील इन्हीं की चल रही है फिलहाल, क्यों, पैसा बाबू भैया पैसा। और पाकिस्तानियों के देखिए शादी भारत में, पाकिस्तानियों को तो ये रोना हो रहा है कि भाई हमें पॉलिटिशियन या कोई दूसरे देश में पाकिस्तानी जाके बस रहा उसको तक नहीं बुलाया, पाकिस्तान में एक सिंगल बंदा नहीं बुला रखा था। और भाई मैंने कल एक रील स्क्रॉल करते करते एक रील सामने आई थी शाहरुख खान के लिए, भाई हैट्स ऑफ सल्यूट करता हूँ, उन्होंने सबसे पहले तो देखिए वो बैठे हुए थे रजनीकांत जी इधर सचिन तेंदुलकर, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया, यानी कि एक वो खुद मुस्लिम है और एक सनातन कल्चर को उन्होंने वहां पर प्रमोट किया, और यानी कि बड़प्पन इतना दिखाया ना। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन आते हैं, फिर अमिताभ बच्चन और उनकी धर्मपत्नी को उन्होंने पैरों को हाथ लगा के आशीर्वाद लिया, ये भाई शाहरुख खान का बड़प्पन। कुछ लोग उनको सोचते भी होंगे कि भाई उन पे भी बहुत बड़े स्टार हैं, एटीट्यूड होगा, देखिए ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं सलमान खान में देखने को मिलेगा, आमिर खान में देखने को मिलेगा, बट शाहरुख खान वो डायलॉग याद रखे, अम्मी कहती है भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, ये शाहरुख खान की सोच है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर जय जवाहर जय श्री राम।